2,11,111 घरों में जाकर के छानबीन की पता लगाया और वो 186 जिलों में पहुंचे और 4,73,569 तो व्यक्तिगत बातचीत की गई। उसके अलावा जो पहले से नशा करते थे और उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया, ट्रेनिंग भी दी गई, उसके बाद यह सुविधा लेने के बाद जब अपने अपने घरों में गए तो उसमें से भी ये पूछताछ करने की कोशिश की कि उसमें से कितने लोगों ने छोड़ा, तो वो भी 123 जिलों का चयन किया था हमने और 70,293 लोगों से संपर्क किया जो ये पाए गए कि वो पहले नशा करते थे, उनको ट्रेनिंग मिली, चिकित्सा सुविधा मिली, उसके बाद भी वो करते हैं। अच्छा, ये जो नशा करने वालों की परिभाषा जो तय की है वो ये है कि साल में एक दो बार भी अगर किसी ने शराब पी है या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया है, वो ऐसे सब लोग इस परिभाषा में आए हैं। और नेशनल लेवल पर जो परसेंटेज आया है वो 14.6 है जो अल्कोहलिक नशा करते हैं और उसमें 10 साल से लेकर के 75 साल तक के लोग पाए गए हैं। लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं पाए गए हैं, उसमें 17 टाइम्स हायर अमंग मेन देन वुमन, ये भी एक जानकारी है। इसके साथ ही साथ फिर तीन करोड़ ऐसे हैं जो हाँ जो इसकी आदत में इसके बिना रह नहीं सकते ऐसे लोग हैं, और 6 करोड़ ऐसे हैं उनको सहायता की जरूरत है, वो सुधर सकते हैं ऐसा महसूस किया गया है। और बाकी अफीम भी है, चुनैन भी है और दूसरे नशीले पदार्थ है, उन सबके भी अलग अलग आंकड़े हैं। इन टोटल व्हाट वी हैव फाउंड इज दैट ओपियोइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स देयर इज हाई प्रिवेलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एज वेल एज इन नॉर्थ वेस्ट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। दीज आर द स्टेट्स विच हैव अ हायर प्रिवेलेंस ऑफ ओपियोइड। Similarly, for alcohol use, we have identified some states as mentioned in the report. If you go through the executive summary, Sikkim, Arunachal Pradesh, these are some of the states where we have a high prevalence of alcohol use. So that's how, and this is the first time in the history of India that a state level survey on prevalence of substance use has been carried out. पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है जब हर राज्य के स्तर पर इसके आंकड़े उपलब्ध हैं कि कितने प्रतिशत लोग नशा करते हैं और कितने प्रतिशत लोगों को नशे के लिए मदद की जरूरत है।